हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ जो रेमेडी, वो है बालों को लेके। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इस चेंज मौसम के अंदर बहुत से लोगों को शिकायत है कि हम जब बाल धोते हैं ना तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं। तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर सबको होती है। तो फ्रेंड्स, जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ईजी रेमेडी है, साथ में बहुत ही इफेक्टिव भी है। ये नहीं कि सिर्फ इजी और इफेक्टिव नहीं है, नहीं, दोनों चीजें हैं। रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आपने सिर्फ उसको एक दो बार यूज करना है रेगुलर। तो फ्रेंड्स, मैं खुद यही चाहती हूँ कि मैं इजी से इजी रेमेडीज बताऊं ताकि आप आसानी से बना लो। क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, जो इजी रेमेडीज होती है मुझे बनाना बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके इफेक्ट भी अच्छे होने चाहिए, यानी रिजल्ट भी अच्छे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरी हर इजी से इजी रेमेडी का नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचे और आप फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेना है मीठा नीम, यानी कड़ी पत्ता। उसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको एक ग्राइंडर जार में डाल लेना है, यानी 12-15 पत्तियां आप ले लें, ठीक है। उसके बाद आप ले लें प्लांट वाला जेल। बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, प्लांट वाला जेल के अंदर से हमारे से जेल नहीं निकलता। तो फ्रेंड्स, आपने साइड से उसके किनारे काट लेने हैं, जो कांटे कांटे होते हैं। बीच का जो पोर्शन है उसको छिलक समेत ही आपने बारीक काट लेना है, चाकू के साथ छोटे छोटे टुकड़े करके आपने ग्राइंडर जार में डाल देने हैं। थोड़ा सा डाल देना है पानी, इसको कर लेना अच्छे से ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद आपने छान लेना है। छान के वो जो पानी आएगा, मतलब छान के जो बाउल के अंदर आपका पानी आ जाएगा, उस पानी के अंदर आपने अपना शैम्पू मिक्स कर लेना है, जो शैम्पू आप रूटीन में यूज करते हैं। इन तीनों चीजों को अच्छे से उस पानी के साथ, मतलब शैम्पू को अच्छे से मिला लेना है, बहुत झाग बन जाएगी। उसके साथ आपने अपना हेड वॉश करना है, ठीक है। आप उस शैम्पू को जब यूज करेंगे ना, तो आप जब एक दो बार करेंगे ना, एक वीक के डिस्टेंस में, यानी वीक में एक बार, तो आप अपने आप देखेंगे कि 2-3 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट इतने अच्छे मिले हैं कि आपने जब वॉशरूम के अंदर अपने सिर को धोया, यानी बालों को धोया, तो आपके बिल्कुल भी बाल नहीं उतरे, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव ये रेमेडी है। मैं खुद कर रही हूँ इस रेमेडी को, मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क लगा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अक्सर मैं शेयर जब करती हूँ तो वही रेमेडी करती हूँ जो मुझे खुद को अच्छी लगती है, मुझे खुद को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल बताएं, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप बताते हैं कि हमें आपकी रेमेडी बहुत अच्छी लगी। मैम, आप बताते बहुत अच्छा हो। मेरी कोशिश होती है, मैं बना के कम दिखाती हूँ लेकिन मैं बताती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको ऐसे बताऊं कि आपको एक एक चीज समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और एक इजी रेमेडी के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।